नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी ने जहां एक तरफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी तो वहीं विपक्ष ने भी ये साफ कर दिया है कि कौन इस बार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में उतरने जा रहा है। और इस बीच आपको ये भी बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बकायदा इस बात का ऐलान कर दिया है, यानी कि ऑफिशियल जो जानकारी है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दी गई है कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अब विपक्ष के उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं और यही वजह है कि इस मुलाकात के होने से कई तरह के जो सियासी बदलाव है वो देखे जा सकते हैं। ऐसे में बता दें आपको कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहना है विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का, एक एक करके आपको बताते हैं। बता दें कि यशवंत सिन्हा का मानना है कि राष्ट्रपति का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आभारी हैं कि उन्होंने फिर से राजनीतिक रूप से संबल दिया है। उनको टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन उनके नाम का प्रस्ताव ममता दीदी ने नहीं किया है। उन्होंने फारूक और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का प्रस्ताव पहली बैठक में किया था, उनका नाम दूसरी बैठक में उठा है और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो गंभीरता से चुनाव लड़े। ऐसे में यशवंत सिन्हा का कहना है कि वो विपक्ष के सभी दलों से संपर्क साध रहे हैं, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, जिन्होंने आज एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा की है। ऐसे में एक सवाल के जवाब में यशवंत सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी के लिए द्रौपदी का समर्थन करना एक मजबूरी है क्योंकि उनका सूबा आदिवासी बहुमूल्य इलाका है। अगर नवीन पटनायक राजग उम्मीदवार का विरोध करते हैं तो से उन्हें सियासी नुकसान हो सकता है। साथ ही उनका मानना है कि बीजेपी के पास भी जीतने लायक नंबर नहीं है, लिहाजा चुनाव दिलचस्प होगा। वो अपनी तरफ से जीतने के लिए पूरी कोशिश करने जा रहे हैं। साथ ही यशवंत सिन्हा का कहना है कि वो बीजेपी में थे लेकिन आज नहीं है, इसका उन्हें मलाल भी नहीं है क्योंकि वो जिस बीजेपी में थे वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांत थे, वो सबसे बड़े नेता थे, लोगों की सुनते थे, उनके बाद ही कोई फैसला लेते थे। आज की बीजेपी में ये सब कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आता। साथ ही यशवंत सिन्हा का कहना है कि सिद्धांत पार्टी में हवा हो चुके हैं। उनका कहना है कि जब वो बीजेपी से बाहर आए तो उन्हें कोई मलाल नहीं था, वो देख चुके थे कि ये लोग देश के साथ नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी से अलग होने के बाद भी यशवंत सिन्हा काफी खुश है और इस बार टीएमसी के टिकट पर यशवंत सिन्हा जो है वो राज्यसभा जाने वाले हैं। इसको लेकर आपको बताएं कि तमाम जो तैयारी है वो यशवंत सिन्हा की तरफ से कर ली गई है और यही वजह है कि इसको लेकर अब यशवंत सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं से खुद यशवंत सिन्हा मुलाकात करके बहुमत मांगेंगे ताकि उनका इस चुनाव में फायदा हो सके। ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है तो वहीं इस मुलाकात के बाद क्या कुछ सियासी बदलाव देखने को मिलते हैं और खास करके 18 जुलाई को देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती है और ये चुनाव कितना दिलचस्प होता है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।